हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट पर्पस। और भाई आज की इस वीडियो में मैं जो है वापस से हिडन प्लेस यानी कि पोलैंड जाने वाला था। सही बता दे भाई, बिल्कुल। अब फिलहाल दोस्तों लास्ट वीडियो में भाई आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, बहुत सारे लाइक्स करे, कमेंट करे। तो भाई आज की इस वीडियो में दोस्तों भाई जो है वो चीज करना मत भूल जाना, आज भी करना। और भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दोस्तों आज की वीडियो में भाई आप लोगों ने बोला था कि गौरव भाई आप जो है ना इस बार जो है उड़ने वाला डायनासोर लेके जो है पोलैंड जाओ यानी कि हिडन प्लेस जाओ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आज की वीडियो में वही करने वाला था मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या ही मैच है, मतलब आप लोगों को मजा आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्पॉन आइलैंड ना बेस्ट जगह क्यों है और भाई वहाँ पे बेस्ट लूट क्यों मिलती है। और अगर आप सोलो खेल रहे हो ना तो भाई सबसे बेस्ट जगह है, मतलब अगर आपको उतरते गन फाइट करने की आदत नहीं है या फिर आप बोल सकते हो कि आपको ना सर्वाइव करके गेम में ठीक है पूरे मैच के पॉइंट लेने प्लस करना है अपना, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चिकन डर निकालना है एंड में आके ठीक है फिनिश करना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पॉन आइलैंड से ज्यादा अच्छी जगह ना पूरे मैप में कोई नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस मैच में, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब फिलहाल दोस्तों प्लेन पर था लॉलीपॉप से होते आ रहा था भाई मिलटट्टी बेस के एंड तक में। तो यहाँ पे दोस्तों बीच में क्रिकेट ग्राउंड था ग्रीन कलर का सर्कल, जहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को पता था डायनासोर मिलता है वो चिड़िया उड़ने वाली। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे जो है भाई बिना टाइम वेस्ट करे सीधा से ना भाई फटाफट से वहाँ मार्क लगाया और मैं जंप कर गया। अब यहाँ पे तो मैं आसपास चेक करता भाई कोई और बंदा तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है कोई और बंदा भी आ सकता है भाई उस ड्रैगन को चुराने के लिए, मतलब भाई उसको उड़ाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ना आपको दो ड्रैगन मिलते हैं, एक तो भाई वो उड़ने वाला ड्रैगन ठीक है, मतलब उसका नाम शायद पेट्रासोर है, पता नहीं क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और एक भाई मिलता है आपको घोड़ा, मतलब छोटा वाला एक ड्रैगन होता है ठीक है, वो मिलता है टीरेक्स वाला। तो भाई उसको ज्यादातर लोग ना घोड़ा बोलते हैं क्योंकि भाई वो घोड़े की तरह दौड़ता है टकड़क 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 टकड़क। तो भाई मैंने कहा भाई अभी घोड़ा तो मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे चाहिए हथौड़ा, मतलब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को चाहिए मतलब भाई ये उड़ने वाला पक्षी ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई फटाफट से जो है लूटा पार्टी करते हैं, क्योंकि भाई बिना इसको मारे तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है इसको मैं ले जा नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को मजदूरी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे लूटा पार्टी करनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लूटा पार्टी करनी शुरू कर देता हूँ, और मेरे को लगता है भाई ये कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। अब मेरे को भाई आती ना वेक्टर ट्रैक्टर मिल गई थी और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है टॉमी गन मिल गई थी। तो यहाँ पर तो मेरा हेल्थ उठाने की कोशिश करता, लेकिन भाई मेरा जो बैग है ना वो भर चुका था, क्योंकि भाई मेरा बड़ा बैग था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आगे कूड़ा बीनते हैं, मतलब भाई मेरा बैग भी करता आते ही कूड़ा बीना शुरू कर दिया, इतना कूड़ा बीना कि भाई हेल्थ भी नहीं उठा पा रहा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं रैंडमली कोई सी भी गन उठा रखी थी, और भाई मैं जो है ना थोड़ा बहुत बेसिक सामान उठा रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था मेरे पास कौन सी गन है, क्योंकि भाई मेरे को तो जाके स्पॉनेट को लूटना था। और हाँ, अगर मेरी M4 तो गॉड गन मिलेगी वो नहीं छोड़ूंगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो लूटा पार्टी करते करते मेरे को लेवल 3 का टोपा और थोड़ी बहुत हीलिंग विलिंग मिल गई थी, मरिंडा पेप्सी वगैरह मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, अब कहाँ पे है वो ठीक है उड़ने वाला उसको मारते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना बैग ढूंढ रहा था मैं सोच रहा था अगर बैग मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को भाई बैग कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा है भाई चलो भाई आसमान में चेक करते हैं और उसको मारते हैं। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मेरे को दिख जाता है ये पेट्रासोर करके इसका कुछ नाम था, तो भाई इसको दोस्तों यहाँ पे जो है मारने लग जाता हूँ। और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है ये मेरे ऊपर अटैक करने आता है, मैंने कहा मजदूर भाई साहब मेरे ऊपर अटैक करेगा ये। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको इजिली मार देता हूँ, मुझे लगा भाई पहले कहीं मेरी छोटी रख रहे, लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों जो है फाइनली मैंने इसको मार दिया। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं इसको मारता तो मैं देखता हूँ ये लूट भी देता है आपको ठीक है। तो भाई मैं जो इसका भी कूड़ा बीना शुरू कर देता हूँ, मतलब जो इसने हगा था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको ना बंदी बनाने की कोशिश करता हूँ ठीक है, इसके गले में जो है पट्टा बांध ही रहता हूँ। और अब देखो दोस्तों जैसे मैं पट्टा बांध के बैठता हूँ ना भाई साहब मेरे ऊपर कोई MMUMP चला देता, पता नहीं कौन सी गन चलाई, वेक्टर ट्रैक्टर चलाई या MMUMP चलाई। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैं चुपचाप से जाता हूँ किनारे में और बैठ के लगाता हूँ तकिया, तकिया टूट जाए मेरी हड्डियाँ, क्योंकि भाई सामने वाले बंदे ने मेरी हड्डी तोड़ दी थी। और यहाँ पर जो है मरने से पहले अग्रसिपुर करता हूँ और एक मरिंडा घूट मारता हूँ, मैंने कहा किधर है किधर है। अब फिलहाल दोस्तों सामने वाले जो एनिमी है ना उसने सप्रेसर के साथ जो है गन चलाई थी, इसलिए दोस्तों मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता चलती। और भाई फाइनली मेरे को यहाँ पर जो है Level 2 का बस्ता भी मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई अब बंदा दिख जाए, बस बंदा दिख जाए उसकी चोटी रगड़ दूंगा, मतलब भाई साहब क्या समझ रहा है अपने आपको, छुप छुप के मारते हैं। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं वो लगाने गाऊंगा, छुप छुप के काहे तू गोलियां चला ऐसे तो चलाती है लड़कियां और तू है मर्द का बच्चा, तो आ जाना सामने और कर ले 1v1। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को सामने वो बंदा दिख ही जाता है, आ ही जाता है भाई वो मेरा गाना सुन के। फिलहाल दोस्तों अब मैंने इसको देख तो लिया था, लेकिन दोस्तों मेरे को पता था भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे पास गन है ना भाई वो जो है वेक्टर ट्रैक्टर, तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं उससे पिट जाऊंगा अगर मैं लॉन्ग रेंज में फाइट लूंगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं कवर ले रहा हूँ। लेकिन भाई साहब वो तो फायर करने में लगा होता है मेरे ऊपर, मतलब ज्यादा ही पुष्पा बन रहा था वो, मैंने कहा रुक जा बेटा मैं बनाता हूँ तेरे को फायर में। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर ना रोटेशन मार के इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है घोड़ा मिल जाता है नीले वाला। अरे भाई साहब जामनी रंग का था, अरे भाई क्या था ये जामुन कहीं का। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसने ऊपर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अब मैंने कहा रुक जा फिर छोटी रगड़ता हूँ। अरे भाई साहब इसने तो मेरी छोटी रगड़ दी भाई साहब, मेरे बुड़का भर दिया इसने। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई इसने जो बुड़का भरा था ना उससे भाई मेरी आधी HP हो चुकी थी। अब मैंने कहा भाई इतने बुड़के मत भर भाई, इंजेक्शन भी लगा पाऊंगा अभी तो मेरे को स्पॉनर जाना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसकी पेटी से लूटा पार्टी करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जो है ना भाई मेरे को इससे एक तकिया मिल गया था, फटाफट से एक तकिया लगाता हूँ और बैठ के जोड़ता हूँ अपनी हड्डियाँ। और फिलहाल दोस्तों मैं सोच रहा था वो वाला बंदा जो मेरे ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो बैठ के तमाशा देख रहा होता है ठीक है। अब मैंने कहा यार किधर गया वो, अब पता नहीं कहीं से रोटेशन मार के मार रहा था मेरे को, अब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा ठीक है।
अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मैं सोचता हूँ चलो यार भाड़ में जाए वो एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को स्पॉइलर के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, मैं अगर ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरी मुसीबत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर उसको देखता हूँ भाई कहीं दिख जाए, लेकिन भाई वो पता नहीं कहाँ कैम कर रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। फिर मैंने कहा यार मैं कैसे बैठूँ, अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जो मैं भाई इसके ऊपर बैठूंगा ना डायनासोर के ऊपर, तो वो मेरे ऊपर पक्का जो है ना भाई वो जो है फायर करेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस्तेमाल करा बीडी का, क्योंकि भाई मेरे पास थे 500 के बंडल, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर जो तीनों के तीनों बंडल को ना यूज करने की सोच ली थी। और भाई पहला दोस्तों जैसे मैं बंडल फेंकता हूँ ना, तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो है एक और फेंकता हूँ आगे, और दोस्तों इसके बाद ना एक और फेंकता हूँ मैं इस तरफ में, और जैसे दोस्तों मेरे बंडल एक्टिवेट होते हैं ना, तो भाई मैं जो है भाई फटाफट से एक थोड़ी सी लूटा पार्टी करता हूँ और चूरन की स्पीड में इसके ऊपर बैठ के भाई सीधा जो है ना तिरछी साइड में दोस्तों यहाँ पर जैसे उड़ा देता हूँ, और भाई चूरन की स्पीड में यहाँ से भाग देता हूँ। डन 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 आ जा, पकड़ ले पकड़ ले, ले लेना ले ले, आ जा आ जा पकड़ ले। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को समझ आ गया था कि भाई मैं उसके हाथों से निकल चुका हूँ, और भाई साहब ये देखो आप, मतलब भाई ये जो चिड़िया है ना, मतलब भाई ये जो डायनासोर है उड़ने वाला पेट्रोसोर, भाई क्या ही भागता ही है, और उसका डैश दबाने के बाद तो भाई 325 मतलब भाई कमले से भी तेज चूरण की स्पीड में। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस पॉइंट का मार्क लगा दिया था, और मैंने कहा चलो भाई फटाफट से चलते हैं, और भाई साहब जब ये 325 में भागता है ना, तो ऐसा लगता है भाई एक ही बटन दबा के सीधा पॉइंट पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है इसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी टाइम के लिए होती है, मतलब लिमिटेड होती है, लेकिन भाई बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाती है आपको। अब फिलहाल दोस्तों जब तक मैं स्पॉइलर जा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई आप वीडियो में बहुत ज़्यादा खो जाते हो बाद में, और भाई आप जो है ना लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो फिलहाल दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे ना, अभी के अभी एक सब्सक्राइब और एक लाइक ठोक देना, जो भी चैनल पे जो है ना भाई वो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी चैनल पे पुराना है ना भाई वो जो है ना लाइक और शेयर के बटन को दबा देना, अपने सारे दोस्तों का शेयर कर देना, और बोलना देख ऐसे खेलते हैं गेम, ऐसे करते हैं गेम को एंजॉय, मतलब भाई कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो गेम खेलने बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करने बहुत मजा आता है, और नया मोड जब भी आता है तो भाई एक्सपेरिमेंट से भरी हुई चीज होती है इसके अंदर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर जा रहा था, और आप देख सकते हैं 65 की स्पीड मेरे को मिल रही थी, मतलब भाई ठीक है वो टीरेक्स डायनासोर से तो बेटर ही मिल रही थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो भाई ठीक है, और साथ में ये डैश की स्पीड मिल जाती थी ना, तो भाई ये भी काम करती, और ये 325 एकदम से भाई स्पीड बढ़ाती थी, तो भाई मेरे को दोस्तों ऐसा लग रहा था मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। लेकिन दोस्तों यहां पे ना एक गड़बड़ थी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे जो है ना इसमें जो है ना इसका पेट्रोल खर्च होता है, मतलब आप इसको पेट्रोल बोलो या इसकी एनर्जी बोलो, आप देख सकते हो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है ना ये लिमिटेड टाइम के लिए उड़ता है, मतलब भाई इसका जो है फ्यूल खत्म हो जाता है, और भाई इसमें फ्यूल थोड़ा ना भरा जाएगा, क्योंकि भाई ये फ्यूल थोड़ा ना पीता होगा ये, तो भाई इसकी दोस्तों यहाँ पे जो है लुल हो जाती है फिर लाइफ, अगर दोस्तों यहाँ पे जो है एक बार ये पूरा मतलब जो हमने यूज कर लिया, तो इसका दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को पेट्रोल चूसने से पहले पहले ना दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को स्पॉइलर जाना भी है और वापस आना भी है। फिलहाल दोस्तों अब मैं जो आगे बढ़ तो गया था, लेकिन दोस्तों अभी तो सफर बहुत ज्यादा लंबा था, तो मैंने कहा चलो भाई डैश बटन दबाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब इस पे बैठे बैठे दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक गाना गा रहा था, पंछी बनू मस्त उड़ू मस्त गगन में, पानी के ऊपर चलूंगा पंख फैला के, मैं हूँ विक्टर मजदूर, जाऊंगा स्पॉन आइलैंड और लूंगा सब लूट। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं। अब फिलहाल दोस्तों मैं जो आगे जा रहा था, और भाई मेरे सामने दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को ब्लू जोन दिख रहा था, जो कि कह रहा था गौरव आ रहा हूँ मैं तेरी पप्पी लेने, और निकाल जाएगी तेरी टट्टी। मैंने कहा जा ना तू अपना काम कर, अभी देख तेरे से कैसे बच के आऊंगा मैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते मैं काफी ज्यादा पास आ चुका था स्पॉइलर के, और भाई साहब क्या ही मजा आता। अब मैंने कहा भाई नजारा को फायदा उठाते उठाते एक पेप्सी पी लेते हैं, क्योंकि भाई क्या पता बाद में आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका मिले ना मिले। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं भाई क्या ही नजारे हैं, मतलब भाई दूर दूर तक पानी में आसपास कोई नहीं, और भाई साहब मैं एक ऐसे आइलैंड पे जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था भाई गोवा जा रहा हूँ, मतलब मजा आ गया भाई साहब उड़ के प्लेन में। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मस्त एकदम पहुंचने वाला था मैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं भाई जोन काफी दूर हो चुका था और आसपास मेरे कोई भी नहीं था, और अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं सुकून से कूड़ा बीन सकता हूँ, मजा आ गया। और भाई अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरा है, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मस्त यहाँ पे झाड़ू मारूंगा, मस्त यहाँ पे लूटा पार्टी करूंगा, और यहाँ से फ्लेयर गन वगैरह लूट के, और यहाँ पे दोस्तों जो है इस मैच में चिकन रन में निकालने की कोशिश करूंगा। मस्त प्लान है। अब फिलहाल दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने केव थी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसमें झाड़ू लगाता हूँ, और मैंने आप लोगों को कई बार बोला है जो स्पॉइलर है ना भाई वो बेस्ट प्लेस है लूटने के लिए भी, और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है ना आपकी रैंक भी अच्छी खासी पूछ हो जाती है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं चिकन ड्रॉप करने के। फिलहाल दोस्तों मैं देखता हूँ यहाँ पे ना किसी ने मोली छोड़ रखी थी, तो मतलब मेरे को लगा शायद आगे भी लूट है, तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं इस बार दोस्तों यहाँ पे जो है इसको पूरा लूटने की कोशिश करते हैं, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मैंने ढंग से नहीं लूटा था। फिर दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आता तो मैं देखता हूँ यार आगे ना मेरे को एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है कुछ है नहीं इधर, तो फिलहाल दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे लूट नहीं है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो मैं
बिना टाइम वेस्ट करे ना भाई वापस से जो है फटाफट से बाबा राम रेम की गुफा की तरफ जाने का फैसला किया। और यहाँ पे दोस्तों मैं सोचा चलो भाई यहाँ पे मेरे को फ्लेयर गन मिली जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लेयर गन मिलने के। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई फटाफट से सीढ़ी उतरता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पे फ्लेयर गन मिलती है या नहीं मिलती है। यहाँ पे दोस्तों मेरे को फ्लेयर गन तो नहीं आती भाई, भैरल मिल जाती है बंदों को बार बार के भैरा करने की मशीन, तो मैं वो उठाता हूँ। और सर दोस्तों यहाँ पे जो मैं और आगे लूटा पार्टी करता हूँ तो भाई मेरे को एक पैन मिल जाता है जिससे मैं बंदों का ऑमलेट बनाऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और चेक करता हूँ और क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत पट्टी मिलती है तो लगा लूंगा बाद में, वरना निकल जाएगी मेरी टट्टी, मेरे को पता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं पट्टी वट्टी सब कुछ उठा लेता हूँ और भाई बाबा राम रहीम की गुफा से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई अब दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कुछ नहीं था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भागते भागते मेरे को याद आता है मेरे को अंडे वाले घर की तरफ जाना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो है इस पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाता हूँ और अंडे वाले घर की तरफ भागता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं आता हूँ ना तो भाई यहाँ पे दोस्तों मैं सोचता हूँ शायद मेरे को यहाँ पे फ्लेयर गन मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी जो है बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मतलब फ्लेयर गन जो है ना भाई स्पॉइल एंड पे आपको हर एक घर में बहुत ज्यादा चांस होते हैं मतलब, ठीक है, मिलने के। तो मैं यहाँ ढूंढता हूँ और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को कहाँ मिलेगी, ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई चीटिंग नहीं करेगा और कहाँ मिलेगी सस्ते बताना, ठीक है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जब लूटा पार्टी कर रहा था और मैं कर रहा था कहाँ गई कहाँ गई भाई कहाँ हो फ्लेयर गन, भाई तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बता दो भाई कहाँ हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भाई फ्लेयर गन तो मेरे को नहीं मिलती इस वाले अंडे वाले घर में भी, और भाई ऊपर तो कोई जाता नहीं है, ठीक है, जो मतलब अंडे वाले घर के एकदम जो टॉप फ्लोर है ना वहाँ पे जाना दोस्तों डायरेक्ट अलाउड है नहीं, तो भाई आपको टावर से जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो उसको स्किप करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ये जो मैं मिलिट्री वाली बेस वाली बिल्डिंग होती है ना जैसी उस वाली सी बिल्डिंग में, तो उस वाली बिल्डिंग में आता हूँ मैं और उसका दोस्तों यहाँ पे जो लूटा पार्टी शुरू कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे भी दोस्तों जो मैंने दो रूम लूट लिए थे भाई मेरे को कहीं भी फ्लेयर गन नहीं मिलती है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इन दो छोटे वाले कमरे में जाता हूँ और मिल जाती है मेरे को फ्लेयर गन, तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ भाई मिल गई मिल गई भाई। इस वाले सीजन में दोस्तों यहाँ पे जो है मैं दूसरी बार गया हूँ और दोनों बार मेरे को फ्लेयर गन मिली है भाई साहब, मतलब भाई स्पॉन एलेंट ना फ्लेयर गन किंग है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरे को इमरजेंसी पिकअप भी मिल गया था। अब भाई मेरे मन में ना लालच जग गया था, मैंने कहा भाई साहब इसको उठा लेता हूँ और भाई कौन चिड़िया उड़ाएगा कौन मेहनत करेगा इसको लेके डायरेक्ट जो है जोन में जाऊंगा बस हवा निकल गई। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मतलब तुम्हारा भाई अगर भाई चिड़िया से उड़ के आया ना मतलब भाई डायनासोर से उड़ के आया तो उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो मैं जाने वाला हूँ फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक तकिया उठाता हूँ। और भाई मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, आपको जितनी हेल्थ मिले ना उठनी उठा लिया करो, क्योंकि भाई स्पॉइलर का कुछ भरोसा नहीं है। आप दोस्तों यहाँ पे जो कभी भी मर सकते हो और आपको कभी भी हेल्थ की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरी हेल्थ भी काफी तेजी से जा रही थी तो मैंने डिसाइड करा भाई मेरे को एक हेल्थ लगा लेनी चाहिए, तो मैंने भाई फटाफट से ये वाला रूम भी चेक करा, इसमें कुछ नहीं था। तो भाई यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बैठ के लगाया एक तकिया ताकि टूट जाए मेरी हड्डियाँ, क्योंकि भाई जोन बहुत तेजी से मेरी तोड़ रहा था हड्डियाँ। अब फिलहाल दोस्तों मैंने कहा चलो भाई मरने से पहले अर्शी पूरी कर लेते हैं और एक मरिंडा की घूट मार लेते हैं, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले। और भाई मैं जो है वापस से जो है लूटो पार्टी स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर से मेरे को लूटा पार्टी करते करते एक पेट्रोल भी मिल गया था तो मैंने वो भी उठा लिया था, क्योंकि भाई क्या पता यहाँ पे जो है उस चिड़िया में पेट्रोल डलता हो, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने भाई ऐसे ही उठा लिया था। और भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप देखते मेरे को स्कार का एल मिल जाता है फाइनली। अब भाई जैसे इसके टेरेस में मेरे को स्कार का एल मिला ना तो भाई आगे मेरे को ना इस बार दिख गई थी सस्ती वाली फ्लेयर गन है, मतलब फ्लेयर गन नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने बोला नहीं वीडियो में, वरना भाई साहब मेरी एक्साइटमेंट निकल जाती फिर से। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरे को एक और तकिया मिलता है और एक और गैस कैन पड़ा था लेकिन वो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि भाई इतनी सीएनजी तो पिएगा नहीं भाई मेरा जो अगर डायनासोर पीता भी होगा तो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं नीचे उतरता हूँ और भाई इस बेसमेंट में आता हूँ, मैंने सोचा क्या पता यहाँ पे भी मेरे को एक और फ्लेयर गन मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी जो है अब फ्लेयर गन नहीं होती है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक चीज सोचता था भाई इतना भी तेज नहीं उड़ता वो पेट्रस और जितना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना भी होगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ भाई लूटा पार्टी तो पूरी करके जाऊंगा, ठीक है, कूड़ा पूरा बीन के जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरे को ना गॉड गन नहीं मिली थी। अब भाई आपको पता है M416 द गॉड गन जो है ना वो सही में गॉड गन है, तो भाई उसको दोस्तों यहाँ पे जो मैं ढूंढ रहा हूँ और साथ में दोस्तों मैं एक स्नाइपर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ्लेयर गन मिली है भाई। अब जोन में जाके भाई जब चलाऊंगा तब स्नाइपर आए ना आए कुछ पता नहीं, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भाई लूटा पार्टी करनी जरूरी है। फिलहाल दोस्तों मेरे को लूटा पार्टी करते करते एक लेवल 3 का बस्ता भी मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई लेवल 3 की ऑलमोस्ट लूट मिल चुकी है पूरी की पूरी और भाई मेरे को मिल जाती है M416 द गॉड गन, क्योंकि भाई मैं इस गैरेज में जैसे ही आता हूं ना तो भाई मेरे को दिख जाती है, तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूं। मैंने कहा अरे भाई साहब ये हुई ना चीज। अब फिलहाल दोस्तों यहां पे जो है मैं सोच रहा था इसकी और लूटा पार्टी करते हैं और थोड़ी बहुत एमो उठाते हैं, तो बैग में से मैं थोड़ी बहुत जगह निकाल रहा था, फिर मैंने कहा यार हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रही है तो एक काम करते हैं तकिया लगाते हैं, बैग का बैग खाली हो जाएगा और हेल्थ की हेल्थ लग जाएगी। फिलहाल दोस्तों यहां पे जो मैं तकिया लगाता हूं और फिर मैंने कहा यार एक कर्नो का टीका भी लगा ही लेते ना, क्योंकि मेरे को अभी जो है जोन में जाकर काफी सारे लोगों को पीटना है। तो फिलहाल दोस्तों आप देखते हैं एक और M416 द गॉड गन पड़ी हुई है, लेकिन भाई मैंने टीका नहीं लगाया। फिर मैंने कहा यार अब देखो ये मिल गया ना M24, मैंने कहा था ना स्नाइपर भी मिल जाती है। अब मेरे को जैसे दोस्तों यहाँ पे स्नाइपर मिलती है तो भाई मैं वही फटाफट से उठाता हूँ और भाई बंदों को मार मार के भैरा करने की वजह से फेंक देता हूँ। और मेरे को एक और दोस्तों यहाँ पे जो है टीका मिल ही जाता है, ठीक है, कोरोना का, तो मैंने कहा अब लगा ले भाई अब कंजूसी मत करो और अब लगा ले भाई अब कहाँ लेके जाएगा दो दो टीकों को। तो मैंने कहा ठीक है अब लगा रहा हूँ, रुक जा भाई रुक जा, पहले थोड़ी लूटा पार्टी तो कर दे, सबर कर जरा रुक। फिलहाल दोस्तों जैसी मेरी यहाँ पे लूट पूरी होती है ना तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो मैं सोचता हूँ चलो भाई अब लोग फाइनली लगा लेते हैं कोरोना का टीका। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं टीका लगा रहा था तो मैं जोन चेक करता हूँ, मैंने देखा
हाँ भाई जोन काफी ज्यादा दूर जा चुका है। अब भाई मैंने डिसाइड करा मेरे को ना फटाफट से जमीन पे आना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना अगर इसका पेट्रोल खत्म हो गया बीच में मान लो या कुछ भी हो गया तो मैं लंबा रास्ता तय नहीं कर सकता हूँ। मेरे को दोस्तों यहाँ पे जो है फटाफट से जमीन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हो सके मेरे को लैंड पे आने की कोशिश करनी है, उसके बाद इसका पेट्रोल खत्म होगा तो फिर हम कोई गाड़ी पकड़ेंगे या फिर दोस्तों मेरे को जो है ना ब्लू जोन पार करना है उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे जो मैं कोई गाड़ी पकड़ूंगा। तो फिर मैंने जो नियरेस्ट वाला आइलैंड हो सकता है ना उसकी तरफ दोस्तों यहाँ पे जो मार्क किया और भाई इसके ऊपर बैठा और फटाफट दोस्तों यहाँ पे जो यू टर्न मारा और भाई डैश का बटन दबाते हुए आगे निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैं इस पॉइंट से तो वापस आ चुका था लेकिन दोस्तों अभी भी जो है ना काफी ज्यादा दूर था जोन, तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं पहले फटाफट से जोन में पहुंचते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पे जिसको मैं चेंज करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है अगर मुझे बंदे मारने हैं ना तो भाई कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को जिसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक ना मेरे जीरो किल थे और आप देखते मैं टॉप 30 में आ चुका था, मतलब भाई साहब बंदे मरे जाते धड़ाधड़ और मेरे अलावा सिर्फ 28 बंदे बचे थे और भाई मेरे जीरो किल है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसकी थोड़ी सी ना हाइट ऊपर करता हूँ क्योंकि दोस्तों अब जो है ना मैं पहाड़ी वाले इलाके में आ चुका था तो यहाँ पे तो मैंने इसको ऊपर करा भाई फटाफट से। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना सही बताऊँ भाई ये टीरेस डायनासोर से तो भाई काफी तेज है क्योंकि भाई इसमें दोस्तों यहाँ पे जो आपको डैश का बटन मिलता है और भाई डैश का बटन तो बस मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल दोस्तों मेरे को एक नीचे बग्घी दिखती है तो मेरा मन करता है क्या यार उसको उठा लूँ क्या, क्योंकि भाई बहुत देर से उड़ा उड़ा के ना थक भी गया था भाई, इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है मैं सच बताऊँ हाथ में दर्द हो जाता है। अब फिलहाल दोस्तों वैसे ही मेरे एक तो लेफ्ट वाले हैंड में जो है थोड़ा बहुत दर्द चल रहा है आपको पता ही है, तो मैंने कहा चलो सामने ना मेरे को सरकार ड्रॉप दिख रहा है और आपको पता है सरकार ड्रॉप सरकार जो कोई छोड़ता नहीं है, तो मैं अपनी गंदगी दिखाने के लिए भाई फटाफट से जो है उसके जाता। अब मेरे को दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू जोन दिख गया था मैंने कहा चलो एक बार इसको पार करता हूँ फिर कोई गाड़ी पकड़ते हैं। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं ब्लू जोन को टच करता हूँ ना तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मैं बैठ के लगाता हूँ एक तकिया ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियाँ और भाई साहब देख रहे हो कैसे झूला झूला रहा है मेरे को, झूला झूलाऊंगा गौरव को चिकन डिनर मुझे दुलाएगा और उसमें से हिस्सा देगा ना, अरे चलना हिस्से की बात मत कर दियो बता रहा हूँ मैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई पेट्रोल सोर तो कुछ ज्यादा छेप हो गए थे मेरे, बोल रहा हिस्सा देना पड़ेगा चिकन में, मैंने कहा नहीं नहीं भाई मैं अकेला खाऊंगा चिकन। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको छोड़ के भाग जाता हूँ क्योंकि भाई ये मेरे चिकन मांग रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई इसको दिखा देता हूँ मेरे मजदूर के हाथ, मैंने कहा बेटा मेरे मजदूर के हाथ है देख रही है चिकन खा खा के ये मैंने ताकत कमाई है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैं टायर को फोड़ता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस ऑरेंज वाली टैक्सी में बैठ के मैं सीधा ना उस वाले घर पे मार करता हूँ जहाँ पे दोस्तों जो है ना बान हाउस होता है। अब फिलहाल दोस्तों मैंने वो वाला घर इसलिए मार्क किया था क्योंकि भाई मेरे पास फ्लेयर गन भी थी और भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्लेयर गन वेस्ट हो जाए, मैं चलाना चाहता था उसको। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं फटाफट से दोस्तों धूम मचाते हुए सीधा वहाँ निकल जाता हूँ और आप देखो क्या होगा। अब जैसे दोस्तों मैं बानस के पास आ रहा था ना तो मेरे को एक गाड़ी फूकी हुई दिखती है, तो मेरे को लगा दोस्तों यहाँ पे जो है हो सकता है बंदा होगा और यहाँ पे जो मेरे सामने ना एक सरकार ड्रॉप भी गिर रहा था जो कि दोस्तों पानी के अंदर गिर रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इसके ऊपर गंदी रेत नहीं दिखाई अपनी, क्योंकि आपको पता है सरकारी ड्रॉप सरकारी जो छोड़ता नहीं सब अपनी गंदी रेत तो दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है जब पानी में गिरता है ना तो सबकी टट्टी निकल जाती है और कोई उसमें गंदी रेत नहीं दिखाता है। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो पानी में चले जाए शायद दोस्तों जो है उसे आसमान निकल ले जमीन निकल ले लेकिन भाई साहब वो ड्रॉप के पीछे भागेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो अपनी फ्लेयर गन चला दी और मैं चीट कोड ना यार आजकल डालना भूल जाता हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है भाई आजकल AWW नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को टीरेक्स दिखता है, मेरे डायनासोर दिखता है और भाई उसके ऊपर बैठा हुआ था गिली लूंगी जो पहन के मेरी करना चाहता था डीली लूंगी, मैंने कहा रुक जा पहले तो मैं तेरे डायनासोर की डीलिंग भी करूंगा, ये ले तेरी पूछड़ा पे ये ले पूछड़ा पे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने इसकी पूछ पे इतने मारे ना कि भाई इसका डायनासोर तो खत्म हो गया क्योंकि पहले बेचारे में आग लग रही थी और मेरे को दिखता है एक पीछे ना बग्गी वाला आया जैसे कि आप दोस्तों और वो छल के पड़ा, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को दिख गया था भाई वो भी मेरे को मार सकता है और भाई सामने भी दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे घर में आ चुका था ब्लू वाले घर में बंदा, तो पहले मैं इस बग्गी वाले को चेक कर रहा था क्योंकि भाई ये मेरे को लग रहा था मेरे ऊपर रश करेगा, तो मैं भाई यहाँ पे स्नाइपर निकालता हूँ अपनी और मैं उसको मारूंगा और भाई पट से हेडशॉट बोल के मैं हीरो बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतने में मेरे को ऊपर में एक बंदा दिखता है पट से, अरे बच गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो ये तो लैटरिन के पीछे जाके छुप गया, मैंने कहा अरे भाई बाहर निकल लैटरिन से। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही लैटरिन से बाहर निकलता है और आप देखो पट से हेडशॉट। अब मैं देखता हूँ यार ये तो कमलेश था बेचारा बोल रहा था गौरव आजा केडी बढ़ा ले, अब कोई बात नहीं यार कमलेश भाई मेरे को समझ नहीं आया तू था इतनी दूर से, लेकिन भाई साहब मेरे ही ओक फोक चलाता है, मैंने कहा रुक जा बेटा अब तू बचेगा नहीं तो मेरे ऊपर ओक फोक के चलाई। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बैठ के लगाता हूँ यहाँ पे कोरोना का टीका क्योंकि अभी अभी था मैंने यहाँ पे कमलेश को पीटा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं टीका लगाता हूँ ना तो फिर मेरे को सामने एक बग्घी दिखती है जो कि खड़ी थी और मेरे को लगा ये ड्रॉप लूटने तो नहीं गया मजदूर। अब मैं यहाँ पे दोस्तों जो है ऐसे चेक ही कर रहा हूँ और देखो मेरे को फुस्टैप आते हैं। अब जैसे दोस्तों मेरे को फुस्टैप आते हैं भाई मैंने लगाया होलो ताकि दोस्तों सामने वाले बंदे को मैं खोलूँ।
फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने होलो लगाने के बाद इस वाले बंदे को खोला और इसका नाम था मिस्टर AWMMYT। मैंने कहा भाई AWMY तेरा नाम AW हट 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 कैसे नाम रख लिया तूने गंदा सा नाम। चल दोस्तों यहाँ पर जो है इसको मैं मारता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसकी पेटी से लूटा पार्टी कर ही रहता हूँ और मेरे को दिखता है एक और टीरेक्स जिसके अंदर एक और आग लग रखी थी। फिर मैंने कहा अरे भाई सारे आग लगे वाले टीरेक्स को चला रहे हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी पेटी मेरे घर जा भी थी जो कि मेरा भाई बहुत मन कर रहा था उठाने का, लेकिन दोस्तों आपको पता है भाई मेरी M4 द गॉड गन भाई बहुत ज्यादा फेवरेट है तो भाई मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को ऑक फॉग भी दिख रही थी जो कि आजकल आप लोग कमेंट कर रहे हो कि M4 द गॉड गन से ज्यादा पावरफुल हो गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई ऑक का डैमेज भले कितना भी ज्यादा हो गया हो जितना ज्यादा लॉन्ग रेंज स्प्रे उसका है ना M4 द गॉड गन का किसी और का नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये मेरे ऊपर रश करने आ रहा था और भाई इसके पास भी गिरी लूंगी था तो ये मेरी करना चाहता ढीली लूंगी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं फंस गया था मैं ओपन में और भाई उसके पास रिच का कवर था तो उसका मैंने डायनासोर तो गिरा दिया था, लेकिन दोस्तों आप देखो मेरे से क्या गलती होने वाली है। भाई साहब सस्ते नशे में बटन दबा रहा हूँ स्नाइपर का, मतलब भाई मेरी स्नाइपर निकली नहीं। अब मैं एक शॉट देता हूँ और दूसरा फट से हेडशॉट। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं बच जाता हूँ और भाई किसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो रीलोड पे नहीं आता ना तो भाई वो मेरी पेटी बनाता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे तकिया लगाता हूँ थर्ड पार्टी करने आता है और भाई पीछे से भी गाड़ी आती है। मैंने कहा हो गया सैंडविच। अब फिलहाल दोस्तों जैसे मैं इसको मारता हूँ तो मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जो कि भाई बग्गी लेके मेरी फ्लेयर गन को लूट रहा है। मैंने कहा कौन है मजदूर। अब फिलहाल दोस्तों मैंने कहा भाई मैं मर गया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक मौली फेंक के मारता हूँ करनों का कड़ो क्या बोला तूने करनों का कड़वा कड़वा काढ़ा। मैं सोचता हूँ जल जाएगा और आवाज आएगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी आवाज़ ही नहीं आती। फिर उसके पैर दिखते हैं मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन बाहर आता है हल्के डैमेज देता हूँ। अब मैंने कहा भाई साहब यार ये मेरे को कहीं मार रहे थे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला बंदा पता नहीं करना क्या चाहता इसने मेरे ऊपर फायर तो नहीं किया ये डर गया था शायद पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने सोचा भाई अभी ये डरा हुआ अच्छा खासा तो मौका है तो भाई मैंने यहाँ पे दोस्तों जो एक बम्बानी फेंक के मारा और बनना चाहता मैं अम्बानी लेकिन भाई मेरा बम्बानी पीछे चला गया। अब मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर जो है इस बार जो है टाइमिंग के साथ फेंकूंगा और अब देखो मैं बन गया अंबानी और कर दी इसकी खत्म कहानी। चल दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मरता है ना तो भाई साहब इसके दोस्तों यहाँ पे जो मेरे 5 किलो जाते हैं और मैं बैठ के यहाँ पे एक लगाता हूँ लैपटॉप क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा गेम हो गया था टिप टॉप। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने इन लोगों को मारने के बाद भाई अपनी जो है M24 भी रीलोड मारी और मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं थोड़ी सी भाई लूटा पार्टी करते हैं इसकी पेटी में और कमलेश की हरी वाली गोली को चुराते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं कमलेश की हरी वाली गोली चुराता हूँ तो मैं देखता हूँ किसी बंदे ने ना किसी को टपका दिया और भाई मेरे अलावा सिर्फ 2 बंदे बचे थे। तो भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इसके ऊपर वापस चढ़ता हूँ बाना उसके ऊपर और मैंने कहा यहाँ से चढ़ के ना अच्छा खासा एंगल मिलेगा और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इजीली बंदों को मार सकता हूँ। और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को ड्रॉप भी दिख रहा था सरकारी वाला तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे मेरी नजर है और भाई मेरे को सामने एक बंदा दिखता ही है। अब मुझे पता था दोस्तों यहाँ पे जो उसके झाकू होते हैं मेरे को स्ट्रेट होकर झाकेगा ही और अब देखो पट से हेडशॉट। अब जैसे दोस्तों इस वाले बंदे को मैं मारता हूँ ना तो उसके दोस्तों यहाँ पे जो है सिर्फ लास्ट बंदा बचा था तो भाई मैं उसको झाक ही रहता हूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मेरे को एकदम से दिख जाता ही है भागता हुआ पट से हेडशॉट और भाई इसी का दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाला मैच भी मैं जीत जाता हूँ। और भाई आपको पता है जीतने के बाद आजकल जो है विक्टर का नया डांस आया तो भाई तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ चिकन डिनर मास्टर चोटी रगड़ना ही मेरा काम है विक्टर मजदूर मेरा नाम है चोटी रगड़ना ही मेरा काम है विक्टर मजदूर ही मेरा नाम है। तो झूमो तो नाचो तो बोलो मेरे साथ आई एम अ चिकन डिनर मास्टर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और आप जिसे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फटाफट से फॉलो कर लेना और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।